अबे उठ, मेरे देश के सिपाही, अब उठ जा। जागो मोहन प्यारे। क्यों आधी रात को तंग कर रहे हो? अबे सूरज सर पे आ गया और तेरे लिए आधी रात है, है? उठ। ओहो, कितनी बार कहा है छोटे कुछ पहन के सोया कर। कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरा कंबल मत उठाया करो। अबे घुन चक्कर, 8:03 हो गए, पूरे 12 मिनट के बाद पिताजी डाइनिंग टेबल पे हाजिर होंगे। मैं जा रहा हूँ। ओह यस। एट फोर जैसे परमानेंट छुट्टी हो चुकी है। ओ अबे कौन सी राजकुमारी? अरे नंबर कुछ नंबर। अच्छा नजरों का हिसाब है क्या? नजरें नहीं, सैकड़ों की बात करो, सैकड़ों की। तुम्हारी तरह थोड़ी अभी तक एक भी नहीं फंसा सके। बेटे हम तुम्हारी तरह फंसाते नहीं, प्यार करते हैं। प्यार? वाह, प्यार करते हैं। अभी तक बात तो कर नहीं सके, प्यार करते। ये लो। जी 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 जी। छोटे इतने बड़े हो गए, अब तो शर्म करो। हरिया काका, बचपन से शर्म नहीं सिखाई, अब क्या खाक सिखाओगे? आओ थोड़ी शर्म करो। शर्म धो लो। अरे परमात्मा, अरे प्रकाश, ये लोग कभी नहीं सुधारेंगे। भैया उस लड़की का नाम क्या है? कौन सी लड़की? और ये जिसका जिक्र आपकी डायरी के हर पेज पर है, सिर्फ नाम नहीं। कौन सी डायरी? आपके सूटकेस के सीक्रेट पॉकेट में मिली। चोर कहेंगे, तुम किसी के जज्बात की कदर नहीं कर सकते। अच्छा तो हमारा देवदास अपनी पार्वती से एक बार भी बात नहीं कर सकता, साइलेंट इश्क चल रहा है। पारो मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कभी कभी जी में आता है कि तुम जैसे अनाड़ी आशिकों को मॉडर्न लव सिखाने के लिए ट्रेनिंग कॉलेज खोला जाए। बच्चू तू कॉलेज खोलता है, 1 मिनट रह गया, मैं जा रहा हूं। गॉड, ओनली 1 मिनट। हरिया हरिया जल्दी। गुड मॉर्निंग बाबू जी। कह रहा हूं छोटा रेडी नहीं? आई एम रेडी बाबू जी। छोटा बिल्कुल रेडी है। गुड मॉर्निंग बाबू जी। गुड मॉर्निंग। लेट आना है तो सिविल ड्रेस में आओ। फौजी वर्दी पहनकर आधा मिनट लेट आने वाले का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। लेकिन बाबूजी कोर्ट मार्शल करने के लिए आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ क्या है? मम्मी, मम्मी की तस्वीर के सामने आप कोर्ट मार्शल कर ही नहीं सकते। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंड? सिट डाउन। रात को तुम फिर बहुत लेट आए। बहुत नहीं बाबूजी, सिर्फ 25 सेकंड। 25 सेकंड? हाँ, आप तो रोज की तरह ठीक 11 बजे सो गए होंगे। हाँ ठीक 11 बजे। बस आप 11 बजे सोए और मैं 11:25 में अपने कमरे में था। झूठ। नहीं बाबूजी, आप राजन भैया से पूछ लीजिए। क्यों भैया, रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना, और तुम मेरा कंबल उठा के बार बार कह रहे थे हेलो हेलो हेलो। नहीं बाबूजी, बार बार नहीं, सिर्फ 1-2 बार। अब इसीलिए तो सुबह आधा मिनट लेट हो गया। तो आर्मी में भी इसी तरह झूठ बोला करते हो? नहीं बाबूजी, आर्मी में तो बहुत कम झूठ बोलते हैं, ये एयरफोर्स वाले भाई बहुत झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान का सिपाही झूठ बोले बहुत बुरी बात है। लेकिन हम हिंदुस्तानी सिपाही हैं कहाँ बाबूजी, हम तो अंग्रेज के सिपाही हैं और अंग्रेज की हुकूमत झूठ पे कायम है। हाँ, जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो गया, हम हिंदुस्तान के सिपाही बन गए, उस दिन से झूठ बोलना एकदम बंद। हाँ देखो, फौजी को पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बाबूजी? बल्कि मुझे तो यकीन है इस सिविल एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन हिंदुस्तानी फौजी पॉलिटिक्स की बात करने लगेगा, उसी दिन अंग्रेज इस मुल्क को आजाद कर देगा। अरे अरे, तुम लोग इस तरह सोचोगे तो बर्मा फ्रंट पर लड़ चुके। बाबूजी बर्मा फ्रंट की बात और है, इस वक्त जापानी हिंदुस्तान के दरवाजे पे खड़ा है, उधर यूरोप में अंग्रेज की सारी ताकत अपना घर बचाने में लगी है। अगर इस वक्त हमने बर्मा फ्रंट को नहीं संभाला तो जापान हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। बाबूजी आज हिंदुस्तान का सिपाही अंग्रेज के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। कमला, इन्हें आशीर्वाद दो।
अब ये छुट्टी से वापस जा रहे हैं। बड़ा बड़ी बड़ी बातें करने लगा, छोटा और ज्यादा बदमाश हो गया है। मगर इस लड़ाई में दोनों ने बहादुरी के कारनामे दिखाकर मेरा सर ऊंचा कर दिया है। आई एम प्राउड ऑफ। सर, मैं डीमापुर से आपके लिए प्लेन लेकर आया हूँ। वी आर रेडी टू लीव। थैंक यू। अच्छा राम, गुड बाय। भैया तुम्हारी ड्यूटी तो कल से है, आज रात यहीं ठहरो ना। नहीं राम, ड्यूटी कल सुबह 8 बजे से। सर अगर आप चाहें तो कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे और 7 बजे डीमापुर पहुँच जाएंगे। ही इज राइट। ओह, समथिंग इंटरेस्टिंग इन शिलांग। सर ये बात नहीं है, यहाँ का मेस बड़ा अच्छा है। भैया इट्स फैंटास्टिक, वहाँ जंगल में बैठे डायरी लिखते रहते हो, यहाँ एक रात गुजार के देखो। नो राम नो। भैया सिपाही की जिंदगी का क्या भरोसा, आज की रात इकट्ठे गुजारेंगे। नाउ लुक, सिपाहियों को वो थीम सॉन्ग याद नहीं, आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, कौन जाने कल कोई साथी छूट जाए। तो तुम आ रहे हो, अब के देखना है कुछ तुम्हें बात करने की हिम्मत आई या यूं ही छुप छुप कर देखते रहोगे। आ गए। मजा आ गया कल रात। यस, रियली नाइस टाइम इन द साहब। अब आ गए। कैसे हो? ठीक हूँ। धमको मेरे पास माता, मुझे हाथ मत लगा। क्यों? अभी तक मैं कुंवारा हूँ। तेरे की बच्चा कहीं का, मेरी तो 2-3 शादी हो गई। 2-3? हाँ। वो लोग किधर है? सब लोग ऊपर चला गया डरपोक कहीं का। मुझे तो नीचे ही रहना है। मेरे बाजू हट, इधर आ। ए सुन, भागता है अभी। जब मैं अपनी मेहनत आपके घर से गरम गरम पराठे और खीर ला के खिलाती हूँ तो खा जाता है। वो तो एक ही दफे खाया था, उसी दिन से हम फंस गए। आइंदा कभी नहीं खाऊंगा। मेला आने वाला है, ले चलूंगी तुझे मेले में साथ, गाऊंगी प्रेम के गीत लेके तेरा हाथ में हाथ। अरे कांचा रे कांचा रे प्रीत मेरी साथी, ना जा तू हाथ छुड़ाई। ओ कांचा रे कांचा कांचा रे कांचा। अरे केस्टो, मेरे पीछे क्या करते हो? फूलों को पानी नहीं देते? सारे फूल सूख गए। भूल हो गया सब, अभी दे देते। भूल हो गया सब, अभी दे देते। जाओ सामान रखो।
उषा बेटी। हाय पिताजी। मजेदार बना रे मजेदार अरे राम को आप बुलाया हमको हमने दिया इधर बहुत मजेदार। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग। इतना जल्दी क्या बेबी बैठ के खाओ। मुफ्त का नौकरी करता है उधर से तनख्वाह भी नहीं मिलता और फिर खुद का देखभाल भी नहीं करने को सकता खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। वो माँ मुझे बहुत जल्दी है हॉस्पिटल जाने से पहले रास्ते में मुझे एक पेशेंट को देखना है समझी। अरे जाने दे धमको माँ जाने दे पेशेंट से ज्यादा डॉक्टर की हालत खराब मालूम होती है। चाप आप इतना बड़ा कर्नल है इस लड़के का सुधार नहीं कर सकते। मैं कर्नल हूँ आर्मी में और ये इस घर की जनरल है रेड क्रॉस के ऑनररी डॉक्टर विलायत पास मेरी क्या सुनेगी। इस वक्त सारा लाइट फोर्स हिटलर पर अटैक करने में लगा है इसलिए हमको कोई मदद नहीं मिल सकता। लेकिन दुश्मन को इस बात का खबर नहीं वो समझता है कि अमेरिकन फौज यहां पहुंच गया है इसलिए वो हम पर हमला करने से हेजिटेट करता है। वो थोड़ा और तैयारी करता है तब तक एयरफोर्स का ऑर्डर है दुश्मन को चैन से नहीं बैठने देने का। कीप हिम बिजी दैट्स ऑल स्क्रैम्बल। गुड लक। कपूर। यस सर। हेडक्वार्टर से कॉन्फिडेंशियल मैसेज आया है विच कंसर्न्स यू आल्सो सर। उनको शक है कि आसान और बर्मा के बीच इस जगह कहीं जापानीज एक सीक्रेट हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये सीक्रेट हवाई अड्डा बना लिया तो वो आसानी से कलकत्ता पर बॉम्बिंग कर सकते हैं। एंड द ब्रिटिश कि हमारे जासूस इस जगह का पता नहीं लगा सके इसलिए इस जगह को तलाश करने का काम तुम्हारे सपोर्ट किया गया। थैंक यू सर। फॉर दैट माय बॉय तुम दिन रात जब चाहे तब फ्लाई कर सकते हो। आई विल डू माय बेस्ट सर। गुड लक। गुड बाय पिकाडिली फेयरवेल लेस्टर स्क्वायर इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू टिपरेरी। व्हाट्स गोइंग ऑन मेजर। रोप ट्रिक माय बॉय इंडियन रोप ट्रिक। Keep it up. Look, I can make it stand. क्या बात है? ये हिंदुस्तानी पलटन आज उदास क्यों है? क्या हुआ? इन गोरों ने हमें धोखा दिया। क्यों? क्यों क्या? आपके क्रिसमस के फंक्शन पर इन गोरे सिपाहियों के लिए विलायती डांसर्स आ रहे हैं। अमेरिका से कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस आई और हमारी फौजी दिल को सभा ने पास किया था कि हम हिंदुस्तानी फौजी के एंटरटेनमेंट के लिए लखनऊ से मुन्नी भाई को बुलाया जाएगा लेकिन अभी तक उस प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। इसका मतलब है हिंदुस्तानी सिपाहियों के मनोरंजन का कोई इंतजाम हो। हम भी यही सोच रहे थे सर। इस वक्त में काफी है जो हम हिंदुस्तानियों की इज्जत बचा सकते हैं। कैसे? यार किसी हिंदुस्तानी डांसर का इंतजाम कर दो ना। यहाँ कौन सी डांसर है सर? यहाँ की वो ट्राइबल राजकुमारी आपके दोस्त है ना एक ट्रैवल डांस हो जाए सर। हाँ इट्स एन आइडिया। वो डांस करेगी तो सब मेमो की छुट्टी कर देगी। यस। अरे नहीं यार नहीं ये नहीं हो सकेगा। मगर ये क्यों? मुझे उसके पास जाने बहुत डर लगता है। क्या तुम और लड़की के पास जाने से डरते हो? लड़की? तुम उसे लड़की समझते हो? ये बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। कहती है उसे मुझसे इश्क हो गया है। हाँ और यार कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि सचमुच मुझसे प्यार करने लगे इसलिए बहुत डर लगता है। नेवर बी लव माय बॉयज। लेकिन सर उसे आपसे इश्क तो होने दो सर। आपको इससे क्या? आपको तो किसी से इश्क हो ही नहीं सकता। तुम क्या मुझे सेंटिमेंटल फूल समझते हो? यस सर। नो सर मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है सर कि आप हम लोग की खातिर एक इश्क का छोटा सा नाटक तो खेल सकते हैं। सर इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट यार मान जाओ यू हैव बीन डूइंग इट। प्लीज सर। ठीक है जब आप लोगों ने तय कर लिया है कि एक डांस की खातिर मोहब्बत की बारगाह पर इस बकरी की कुर्बानी दी जाएगी तो दी जाएगी और हम अवश्य चाहेंगे। जिंदाबाद इश्क के बाद। जिंदाबाद इस बात पर हम तुम्हें इश्क का ताश पहनाते हैं। बादत बामरादा हो जिया। आशिकों के शहंशाह मैदान मोहब्बत में अपना कर्तव्य दिखाने जा रहे हैं। लेकिन खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। फिर एक बॉटल विस्की का सवाल है बाबा। पेश करो जल्दी।
अब हमारी हिफाजत के लिए दुआ की जाए। आमीन, आमीन, आमीन। स्वागत करते हैं। थैंक यू राजकुमारी साहबा। मोहब्बत के इतिहास में आज तक किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी का इतना शानदार स्वागत नहीं किया होगा। आपकी ये स्वागत सम्मति। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती से मैं यहाँ थी, नहीं तो मालूम क्या होता। क्या होता? यहाँ आने वालों के सर काट दिए जाते हैं। तुम्हारे दीदार करने की अगर यही सजा है राजकुमारी, तो हमें सर कटाना मंजूर है, मगर तुम्हारे दर्शन किए बगैर जाना मंजूर नहीं। हम न तीरों से डरते हैं, न तलवारों से डरते हैं, मोहब्बत करने वाले कब सितमगारों से डरते हैं। मत हंसो राजकुमारी, मेरी मोहब्बत पर मत हंसो। अगर यकीन नहीं आता तो ये सीना चीर कर देख लो, इसमें सिर्फ तुम्हारी फोटो लटक रही है। तुमने अपने दिल में मेरी फोटो बनाई है? दिल के आईने में है तस्वीर यार, जरा कॉलर उठाया देख ली। सच्ची? लेकिन डार्लिंग, सिर्फ फोटो से तो काम नहीं चलता। तुम प्यार करते हो तो उसे बताने का ढंग भी कितना अच्छा आता है, लेकिन मुझे ना कविता कहना आता है ना फोटो बनाना। बनाना मुझे आता है। ये सब वो दिन है जो तुम्हारे बिना गुजरे, और ये जिन पे मेरे होठों के निशान है ना, ये वो दिन है जब तुमसे मिलन हुआ। तोशी, तुम बहुत खतरनाक लड़की हो, अब तुमसे डर लगने लगा है मुझे। से डरते हो या मेरी मोहब्बत से? मैं मोहब्बत से नहीं डरता तोशी, मैं तो जुदाई से डरता हूँ, जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, मगर ये दिल धोखा खाना चाहता है, क्या करूँ। तुम और कुछ मत करो जान, हमारे फौजियों के सामने बस एक खूबसूरत सा डांस करो। डांस? हाँ। देखो मैं आज तक कभी अपने गांव के बाहर नहीं नाची। तो क्या हुआ? तुम समझते ही नहीं, मेरे पिता हमारे कबीले के सरदार हैं, वो कभी इजाजत नहीं देंगे। देखो तोशी, ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, आज सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि प्यार की खातिर
एक बेटी अपने बाप को मना सकती है या नहीं? तुम हमारी बेटी को अपने फौजियों के सामने नचाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं बाबा, ये बात नहीं है। वहाँ बहुत सारी विदेशी लड़कियाँ नाचने को आ रही हैं। हमें उन्हें नाच में हराना है। और पापा, इसी में हमारे देश की इज्जत होगी। विदेशियों को हराना है? हाँ। अच्छा, तू तो जा सकती हो। On behalf of दिल खुश फौजी सभा, I thank you sir. Long time. फौजी सलाम करता। अब हम भी उनके साथ जाएगा, उनकी छावनी देखेगा और वहाँ का सब रिपोर्ट जापानी जनरल को भेज देगा। देखो, भारत हमारा देश है, हम उससे धोखा नहीं करेगा। हम अंग्रेज से धोखा करता। अंग्रेज ने भारत को गुलाम बना कर रखा, उनको मारने के लिए जापानी साथा, उनका मदद करना चाहिए। जनरल नहीं, इस ब्रिटिश पुलिस ने टच भी वो जापानी की जाल को नहीं समझ सकता। लेकिन सर, उनके हवाई जहाज बराबर इस जगह को तलाश कर रहे हैं। एक दिन जरूर वो ऊपर से हमारे इस हवाई अड्डे को देख लेंगे। लेकिन इसको नहीं, उनको धोखा देने के लिए हम बॉर्डर पर एक नकली हवाई अड्डा बना रहे हैं। हमारा खास जासूस उनको उसी तरफ ले जा रहा है। और साहब, हम आपको इस जगह का एक और खास बात बताता जी। यस यस। इस एरोड्रम के पीछे साहब एक बहुत ऊंचा पहाड़ी है साहब, और आप लोग को तो बम फेंकने के लिए नीचे उड़ना पड़ता साहब। इसलिए हम आपको बोलते साहब, आप उधर अपना सबसे होशियार पायलट भेजो साहब। थैंक यू साहब, हम और पकड़ लाएगा साहब। ओ यस ओ यस, शाबाश। थैंक यू साहब, थैंक यू। सो बॉयज, अब हमको जगह का पता चल गया है। एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या ये आदमी भरोसे का है? डू यू रियली ट्रस्ट हिम? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये हमारा खास जासूस है। कर्नल जॉनसन को जापानीज के कैद से यही आदमी छुड़ा कर लाया था। वी फुली डिपेंड अपॉन हिम। नाउ गो अहेड, गुड लक टू यू ऑल। हेलो हेलो, योकोहामा, हेलो, बोलो जी, योकोहामा। हाँ हाँ, हम चीता नंबर 4 बोलता जी। हाँ जी, हम आपके नकली हवाई अड्डे की तरफ आज इधर से 4 जहाज का एक स्क्वाड्रन भेज दिया जी। ओके ओके, आप इस स्क्वाड्रन को आज खत्म कर दो जी। लेफ्टिनेंट। यस सर। नकली हवाई अड्डा मिलाओ। यस सर। नंबर 42, नंबर 42, देखो, ब्रिटिश एयरफोर्स का 4 जहाज नकली हवाई अड्डे की तरफ आ रहा है। यही देखो, उनमें से एक भी बचकर जाने न पाए। Nothing too far, sir. Boys, I think they're right. Now get ready. Any news? No, he's still missing. Okay,
Any message? No, sir, I can't find it. What happened? One plane is missing. Kiska? Wing Commander Kapoor. Hey, George! Anything on the radar? No, sir, nothing so far. God, what a pity. Let's hope for the best. Sir, he's coming, he's there! Please. जब आपका जलता हुआ जहाज उतर रहा था तो सबके दिल की धड़कन रुक गई थी. थोड़ी सी देर और हो जाती तो भगवान जाने क्या हो जाता. क्या हो जाता? जहाज बस्ट हो जाता? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई खिलौना टूट जाता. इंसान भी तो खिलौना है डॉक्टर. जिंदगी की चाबी खत्म, खेल खत्म. सब आप ही की तरह वेदांत पढ़कर नहीं आए. आपको न जिंदगी की परवाह है न मौत का डर. डॉक्टर, सिपाही के लिए मौत से डरना शर्म की बात है. ड्यूटी पर जान देना ही उसकी शान है. मगर आप तो सिपाहियों की डॉक्टर हैं. आपको इन एक्सीडेंटों से इतना घबराना नहीं चाहिए. डॉक्टर और सिपाही में यही फर्क है मिस्टर कपूर. सिपाही जान देने या जान लेने में ही अपनी शान समझता है और डॉक्टर जान बचाने में ही फक्र महसूस करता है. उठ. आइए, देख जाइए. आपको आराम की सख्त जरूरत है. आराम से बैठे. हाँ, और ये तकिया यहाँ. देखिए, किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं. डायरी? ये तो किसी का नाम खत मालूम होता है. जी हाँ, खत ही है. किसके नाम है? है कोई. क्या वो बहुत दूर है? जी, कभी कभी बहुत पास, कभी कभी बहुत दूर. तो आप ये खत सिर्फ डायरी में ही लिखते हैं या उसे भेजते भी हैं? ये अभी तो सिर्फ डायरी में लिखता. इसका मतलब आपको जवाब की जरूरत नहीं? जवाब की तो बहुत जरूरत है. मगर मगर क्या? डरता हूँ पढ़ के कहीं नाराज ना हो जाए. राजन बाबू जी, डरने वालों को खतों के जवाब नहीं मिला करते. डॉक्टर, इंजेक्शन. आराम से नींद आ जाएगी. डॉक्टर.
डॉक्टर डॉक्टर गुड मॉर्निंग सिस्टर। डॉक्टर उषा कहाँ है? आज वो नहीं आई। क्यों? आज सुबह वो अपने डैडी के साथ शिलोंग चली गई। शिलोंग? सुबह सुबह वो आपसे मिलने आई थी मगर आप सो रहे थे। आपके लिए चिट्ठी। चिट्ठी? और ये फूल भी दे गई है। फूल? ये फूल डॉक्टर ने दिए हैं? जी। थैंक यू सिस्टर। अगर पहले ही बता देते कि तुम भी उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करती हूँ तो मेरे दिन रात यूं तड़पने में न गुजरते। मगर आज तुम्हारी डायरी पढ़कर पता चला तुम इतने नजदीक थे। अगर मैं ठोकर भी खाती तो तुम्हारी ही बाहों में गिरती। सर माय डॉटर डॉक्टर उषा। ओह हाउ चार्मिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी सर आई कुडंट रिसीव यू एट द गेट। आई वाज बिजी ऑन द स्टेज। इट्स ऑल राइट। आई वेलकम यू सर टू सी आवर इंडियन प्रोग्राम। इट्स ऑल राइट। कैन चौधरी मेजर कपूर। I've been Commander Jones, sir. I cannot talk to Dr. Usha. Hello. Welcome, Mr. Adhi. Thank you. आप private doctor हैं? नहीं, मैं army hospital में हूँ। आपके hospital में दवाइयाँ तो नहीं होती होंगी? क्यों? आप जैसा doctor हो तो मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप बड़े interesting person हैं। No, Ram. Don't you try your tricks again. Doctor, हम तुमको warn करते हैं। मेजर कपूर लड़की लोग के वास्ते बहुत खतरनाक आदमी है। लड़की लोग का तारीफ करता लेकिन आधे से ज्यादा झूठ होता है। Don't be unkind, sir. देखिए मैंने जिंदगी में कभी आधे से ज्यादा झूठ नहीं बोला। हमेशा आधे से थोड़ा कम बोलता हूँ। सर the show is ready, sir. Go ahead, I'm just coming. Thank you. Excuse me, sir. We are starting the show. You please take your seats. Thank you, sir. Oh, no. Charming girl. Come and sit near me. Oh, come on. Thank you, sir. Thank you. Sit down, darling. Oh, this Major Kapoor is a fabulous man. जी बात है आज आपको देखकर यूं लग रहा है जैसे कभी किसी लड़की को देखकर नहीं लगा। ओह तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मिस चौधरी मेरी बात को बिल्कुल झूठ मत समझिए। बिल्कुल झूठ नहीं समझा लेकिन आधे से थोड़ा कम समझा। गॉड अगर मैं मोहब्बत में यकीन रखता तो यूं कहता क्या आपको देखते ही मोहब्बत होगी। आप मोहब्बत में यकीन नहीं रखते? नॉट एट ऑल। मोहब्बत तो एक मर्ज है जैसे पागलपन। अब जिस किसी का पेट झीला हो वही मोहब्बत कर सकता है। और फिर साइंस के जमाने में मोहब्बत और सेंटीमेंट्स के लिए जगह कहाँ है। Oh, so you are here, my boy. I hope you are not taking it seriously. I know, sir. Well, Chaudhin, Mr. Jones. Yes, sir. Remember, कल सारा दिन हम कॉन्फ्रेंस में हैं। Yes, sir. Okay? Daddy, हम कब वापस जा रहे हैं? Oh, that's your problem. तुमने शिलोंग देखा? Not yet, sir. It's a beautiful place. I have heard about this place a lot. Oh, it's a wonderful place. Yes. You see, Kapoor. Yes, sir. Why don't you take her around? Okay, sir. Well, good night. Good night. Good night, sir. Come here. Good night. Good night, sir. Major Kapoor, sir, मैं कल सुबह 8 बजे जीप लेकर पहुंच जाऊंगा। Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. अरे देख, कम बोल ही लिया। अरे क्यों चिल्ला दिया? अरे आज क्रिसमस का दिन है। यारे बहुत बड़ा चानस है। चानस? भाई का चानस? आज बुद्धू इतना नहीं समझता। तेरा साहब तो अस्पताल में पड़ा है। मेरी मेन साहब से लौंग गई है। आज हम दोनों अकेले हैं। तो हाँ एक खास शादी के लिए हाँ कर बस अभी शादी करूंगी। हमको मुझे जमीन पे ही रहना है समझे। तुझे जमीन पे जिंदा रहना है या मुर्दा? जिंदा। तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं। मुझे झूठे प्रेम में फंसाया तू करेगा वापिस शादी करेगा बोल बोल। करूंगा करूंगा लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन ये मिलिट्री की नौकरी छोड़ने के बाद ही करूंगा। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। सच्ची? हाँ। नहीं इधर नहीं तो? बंगले पे। बंगले पे? हाँ वहाँ खाना और पीना दोनों का। पीना भी है? हाँ। सच्ची? चल चल। लेकिन हाँ धमको। हाँ तू मुझे जल्दी छोड़ देगी ना? नहीं बुद्धू कहेगा। अरे मैं तुझे जिंदा ही छोड़ दूंगी। चल चल खाना पीना। आप बात बात बिल्कुल नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं।
अच्छा कल आपने एक बात कही थी, क्या वाकई आप मोहब्बत में बिल्कुल यकीन नहीं रखते? जी नहीं। क्यों? मोहब्बत क्या होती है? आपको नहीं मालूम? जी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? क्या? ये जो किसी के नाम पर दिल धड़कता है, किसी को देखने को आंखें तरसती हैं, ये सब क्या है? ये भूख है मिस चौधरी। भूख? जी हाँ, शरीर की भूख, सेक्स की भूख। Very strange. But it's true, Miss Chaudhary. It is very much true. इंसान और इंसान के दरमियान मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं? जी नहीं, ये शरीर के रिश्ते हैं। लगता है आप किसी से प्यार करना चाहती हैं। चाहती नहीं, करती। भगवान आपकी रक्षा करे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। ये जो भूख है ना, इसे मिटा लीजिए। प्यार का बुखार एकदम। अच्छा, आपको तो कोई भूख नहीं है ना? अजी, हमें भूख बाद में लगती है, हम मिटा पहले लेते हैं। इस पर भी आपको किसी से मोहब्बत हो गई तो? इम्पॉसिबल। अपनी डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई लफ्ज नहीं। देखिए, इतना गरूर मत कीजिए। कोई मोहब्बत करने वाली मिल जाएगी तो इन शोक चमकती आंखों में दर्द के आंसू भर देगी। लेकिन मुझे एक ही डर है, अगर कोई लड़की आपसे प्यार करेगी तो शायद जिंदगी भर आप उसकी मोहब्बत को पहचान न सके, यही समझते रहे ये भी शरीर की भूख। अगर मोहब्बत वाकई इतनी खूबसूरत चीज है तो डॉक्टर साहब, मोहब्बत का तीर खाने से पहले क्यों नहीं एक सेब खा लिया जाए? लाइए लाइए। हम तड़के से भूखे प्यासे तुम्हारी राह तक रहे हैं और तुम सेब खिला रहे हैं इन मेम साहब को? इस बेशरम को यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम अब इसका बंटा ढार कर देंगे। ए, क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी करवा दो। जाने दो नौकरी जी, मेरे पास बहुत खेत है। हमारे ऑफिसर की बेटी है, इन्हें सैर कराना मेरी ड्यूटी है। अरे हाँ बाबा, मिलिट्री की ड्यूटी है। अगर इन्होंने शिकायत कर दी तो मुझे कैद कर देंगे। सच्ची तुम्हें कैद कर देंगे? फांसी भी लगा सकते हैं। तो ऐसे करो, अभी घर जाओ, मैं ड्यूटी खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। हाँ। भूलना नहीं। न पर। मैं जाऊं? जाओ। तुम उसकी शिकायत मत करना। नहीं 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 नहीं। राम राम। राम राम। देखो मैम साहब, तुम राम राम मत बोला करो, राम सिर्फ मेरा है। अच्छा बाबा, नमस्ते नमस्ते। राम राम। जेंटलमैन, आई हैव गॉट गुड न्यूज फॉर यू। रंगून से हमारा एक खास जासूस जैपनीज को टॉप सीक्रेट फाइल चोरी करके भेज, उससे हमारा वो डाउट कंफर्म होता है कि जैपनीज बर्मा के बॉर्डर पर एक सीक्रेट हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। इस फाइल में सब नक्शा मौजूद है, लेकिन हवाई अड्डे का एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है वो मालूम नहीं होता। हम चाहता है आप इस फाइल को अच्छी तरह स्टडी करो। एंड कर्नल, आई एम अफ्रेड यू शुड हैव टू फर्दर डिस्कशन। यस सर। Robert. Yes, sir. In the meantime, you take charge of team, Apu. Okay, sir. Good morning, sir. Sir, I think we are in time. That's fine. मैं तो आपका सामान डिब्बे रखो। आप नहीं करेंगे? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम निकल आया है। मैं खुद भी यहीं छोड़ूंगा। चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ूंगा। One minute, one. मैं भी आया। मिस चौधरी, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हमारी याद आएगी तो क्या करेंगे आप? भगवान से प्रार्थना करूंगी। कैसी प्रार्थना? कि आपको प्यार करना आ जाए। जी, ये दुआ है या बददुआ है? मेजर साहब, एक बात याद रखिए। जी फरमाइए। प्यार के बिना जिंदगी बेकार है।
किसी से प्यार करना चाहती है? चाहती नहीं, कर रही हूँ। प्यार? यही तो एक रोग है जिसके दर्द में ही मजा है। दर्द और मजा? नॉनसेंस। और अगर यही रोग आपको लग गया तो? पॉसिबल? मैं कोई पागल हूँ? डार्लिंग, तुम्हें बताओ मैं कभी किसी से प्यार कर सकता हूँ? इतना गुरूर मत कीजिए, कोई मोहब्बत करने वाली मिल गई तो इन शोक चमकती आंखों में दर्द के आंसू भर देगी। यकीन है भगवान ने आप जैसे इंसान को पत्थर का दिल नहीं दिया होगा, इसमें मोहब्बत के लिए थोड़ी सी जगह जरूर होगी। अजय कपूर, अजय कपूर, तुम्हें क्या हो रहा है? जो हो रहा है अगर यही प्यार है तो बड़े जोर से हो रहा है बच्चे, तुम गए काम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेजर कपूर, ये पर्स तुम्हारा है? यस सर। और इसमें तस्वीर तुमने लगाई है? सर बात यह है कि मैं जितनी बार पूछी जाए उसका जवाब दो, ये तस्वीर तुमने खुद इसमें लगाई है? यस और नो? यस सर। एक दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे बटुए में सिर्फ उस लड़की की तस्वीर होगी जिससे तुम्हें सच्चा प्यार हो गया हो। यस सर। तो उषा भी तुम्हें चाहती है? शायद। So you're not sure. तुम यकीन से नहीं कह सकते? जी, मैं वो ठीक है, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं कि कल सुबह जब हम दीमापुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तुम उषा से मिलोगे और 24 घंटे के अंदर उससे बात करके हमें पूरी रिपोर्ट दोगे। I'm really very thankful. Yes, yes. Yes, sir. मेरे कपूर। Yes, sir. ये पास ले लो। Thank you, sir. Thank you. अब जिंदगी तेरी एक हाँ या ना पे है। हाँ कह देना प्लीज। क्या कॉलेज के लड़के लड़कियों की तरह चोरी छुपे ही इश्क करने का आता है? कभी सीरियस नहीं होगी? सीरियस तो बहुत हूँ। सीरियस तो बहुत हूँ। अगर इतने सीरियस हो तो पिताजी से बात क्यों नहीं करते? बात इतनी सीरियस है कि ना मैं कर सकता हूँ ना तुम कर सकते। तो कौन करेगा? पिताजी। पिताजी को कोई बताएगा तब ना वो बात करेंगे। मगर पिताजी से भी तो वही बात करेंगे। कौन? मेरे पिताजी। दरअसल मेरे पिताजी ऑलरेडी घर से रवाना हो चुके हैं। उनकी ट्रेन चली आ रही और कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये प्रोग्राम है? अरे मैम सब प्रोग्राम तो सब फिट कर दिए हैं। देखो
कल शाम को हमारी क्लब में न्यू ईयर का फंक्शन है ना, वहाँ तुम्हारे पिताजी भी होंगे, वहाँ तुम भी होगी। उस वक्त मेरे पिताजी एक्स कर्नल कपूर बड़ी शान से दाखिल होंगे और तुम्हारे पिताजी कर्नल चौधरी को बड़े प्यार के साथ गले से लगाकर कहेंगे, मेरे पुराने दोस्त, तेरी बेटी ने मेरे बेटे पर जादू डाल दिया है, इसलिए उसे मेरे हवाले कर दो। और उनका बेटा भी कुछ कहेगा या नहीं? वो तो अपने छोटे भाई के साथ किसी कोने में खड़े उनके फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। छोटा भाई? जी हाँ, मेजर राम कपूर जो शिलोंग में रहता है, वो भी कल यहाँ आ रहा है। मेजर राम कपूर शिलोंग वाला? यू मीन राम? वो तुम्हारा छोटा भाई है? तुम उससे मिल चुके हो? अरे शिलोंग में मुझे वही तो घुमाता रहा। फिर तुम आ गए? तुम सही सलामत तो वापस आई हो ना? शेम ऑन यू, कैसी बात करते हो? अरे तुम उसे नहीं जानती, वो जालिम बड़ा तेज आदमी। इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ा दिलचस्प आदमी है। कहीं ज्यादा पसंद तो नहीं आ गया? हाँ पसंद तो बहुत आया। अच्छा लड़का है, जरा भटक गया है। आते समय मैं उसके लिए प्रार्थना करके आई हूँ, भगवान करे उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए जो उसे गलत रास्तों से हटाकर सच्चा प्यार करना सिखा दे। हरालू, तुम यहाँ से चला जाओ, हमको तुम्हारा कुछ बात नहीं सुनना है। देखिए राजकुमारी, हम आपको फिर से बोलता, आप जापानीज का मदद करोगे आपको जापानीज 500 रुपया देगा, रुपया। हमको जापानी नहीं चाहिए, अंग्रेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा राम ही। हमारा राम जिधर होगा हम उधर मदद करेगा। शायद आपको मालूम नहीं, राम कल रात को सिलोन छोड़ के चला गया। झूठ? नहीं सच है, अंग्रेज फौज ने उसको पकड़ के दूर भेज दिया। कोई बात नहीं, अंग्रेज उसको किधर भी भेज दे, हम अपने राम को ढूंढ लेगा। राम को पाने का एक ही उपाय, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां तुम्हारा राम है। तुमको पता है राम कहां है? हाँ मालूम है, लेकिन अंग्रेज मिलिट्री राम को कभी नहीं छोड़ेगा। आप जापानीज का मदद करो, जापानी सारा अंग्रेज को कैद कर लेगा, उसके बाद आपका राम आपको वापस मिल जाएगा, जापानी राम के साथ आपका शादी करा देगा। ब्रिटिश हाई कमान को जापानियों के उस हवाई अड्डे का नक्शा मिल गया है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वंडरफुल, इस नक्शे से उस इलाके की इतनी पहचान तो मिलती है कि वो हवाई अड्डा किसी बड़े दरिया के किनारे बनाया जा रहा। सर थोड़ा बहुत क्लू तो मिला, इससे हमें एयरफील्ड ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मे आई कम इन सर? हु इज देयर? कम इन सर जी। What is that? हेडक्वार्टर ने उस नक्शे के मुताबिक उस जगह का मॉडल बना के भेजा है ताकि आप स्टडी कर सकें। प्लीज कम एंड सी। थैंक यू, कैन गो। देखिए इससे दुश्मन की चालाकी और अकलमंदी का पता लगता है कि उसने हवाई अड्डे के लिए एक ऐसी वादी ढूंढी है जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, अगर पास से भी गुजर जाओ तो पता नहीं चलता। हाँ अगर ठीक इसके ऊपर से आओ तब हवाई अड्डा दिखाई पड़ता है। देखा कैसी सेफ जगह ढूंढी उन्होंने? ऑफ कोर्स, इतनी हाइट से तो इसे बमबार भी नहीं किया जा सकता। बम गिराने के लिए जहाज को नीचे आना पड़ेगा और एक दफे जहाज नीचे आया तो बगैर लैंड किए इस वैली से बाहर नहीं निकल सकता, क्रैश हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि ये हवा से बमबार नहीं हो सकता, इसलिए आर्मी ने कमांडोज का एक खास ग्रुप तैयार किया है जो वहां जाकर सबोटाज करेंगे। मगर इसके लिए एग्जैक्ट हमें ये तो पता चलना चाहिए कि वो जगह कहाँ है, राइट? इसलिए हमें एयरफोर्स की सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि आप अपने जहाजों को भेजकर एग्जैक्ट हमें वो ठिकाना बता दें, उसके बाद हम देख लेंगे। ओके ओके, इट विल बी डन। बाय। What do you think of this? Sir, enemy is very clever. Yes. देखिए इस वैली में कोई जहाज डायरेक्टली लैंड ही नहीं कर सकता। Right you are. सर यहां लैंड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। What is that? देखिए कोई भी जहाज इस तरह से इस वैली में दाखिल होगा और फिर इन पहाड़ों के बीच में से होता हुआ इस दरिया के ऊपर से इस तरह से उड़ता हुआ यहां से मुड़कर फिर लैंड करेगा
और टेकअप करते हुए भी सर जिस रास्ते से आया था वही मोड़ लेके पहाड़ों के बीच में होते हुए इसी तरह वैली के बाहर निकलना पड़ेगा। You're right, Kapoor. Thank you, sir. लेकिन इससे एक बात और डेफिनेट हो सकता है। What, sir? दुश्मन ने हमारे हवाई जहाजों का रास्ता रोकने के लिए जरूर इन पहाड़ियों पर यहाँ हवा मार तोपे लगा रखी होगी। यस सर, इसका मतलब है हमारे हवाई जहाजों का यहाँ पहुंचना मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हाँ, खतरनाक जरूर है और एयरफोर्स हर खतरे का मुकाबला कर सकती है। शाबाश, आई डिपेंड अपॉन यू। थैंक यू सर। सर आप इत्मीनान रखिए, भगवान ने चाहा तो मैं आज शाम से पहले ही आपको इस एयरफील्ड का सारा पता ठिकाना बता दूंगा। एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है तुम्हें। आपके जाने पिताजी, मैं भी आपको बहुत 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 अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। मगर मैं जो सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे नहीं बाबा, पहले मेरी बात सुन लो, मेरे सर पर बहुत बड़ा बोझ है। नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, सुनते ही आपका सारा बोझ उतर जाएगा। अच्छा भाई, पहले तो ही सुना ले। बोल बोल, क्या बात है? बस वही बात है, आपका बोझ उतर जाने वाली। कौन सा बोझ? यही आप कहते थे ना कि बेटी सबसे बड़ा बोझ होती है, उसकी शादी हो जाए तो सुख की नींद आ जाए। तो मैंने ये बात है, उनके पिता आज रात आपसे मिलने आ रहे हैं। किसके पिता? राजन के। राजन? देखिए पिताजी, मैंने आपसे कोई बात नहीं की और आपने कुछ नहीं सुना। ये क्या कह रही तुम? राजन ने कहा है कि तुम कुछ मत कहना, मेरे पिताजी खुद तुम्हारे पिताजी से कहेंगे। All right, sir. Wish you all the luck. Thank you, sir. We depend upon you. राजन, मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया? नहीं, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉमिस। ठीक है ठीक है, लड़कियों के पेट में कुछ नहीं बचता। खैर छोड़ो, पिताजी कंफर्मेशन आ चुकी है, वो शाम को यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, और तुम्हारा भाई तो अभी तक आया नहीं? अरे उसका क्या, रास्ते में कोई लड़की मिल गई होगी, उसके साथ नाटक जमा रहा होगा। बाय। अरे इतनी देर से आया छोटे? अच्छा शाम को मैच में मिलेंगे। अरे भैया वो सरप्राइज के। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा भाई एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर है। मेरा भाई भी एयरफोर्स में है, विंग कमांडर राजन कपूर। वो तो बहुत बड़े अफसर है। हाँ बहुत बड़े ऑफिसर है, बहुत बहादुर है, लेकिन जरा से बंदू है। आपका भाई है ना? जी मैं आपको बंदू नजर आता हूँ। जी मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ नहीं कहा? माफ कीजिएगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, फिर मिलेंगे। एक मिनट चाहिए तो। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी प्लीज एक बात सुनती जाइए, बस एक बात। डॉक्टर साहब कहिए। वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुनी है और मुझे हो गया है। क्या हो गया है? मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे? अरे हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई, किससे? जी वो। बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब? जी वो खुशनसीब आप ही हैं। ओह थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूल नहीं। भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। ओए जी जी, ऐसा लगता है कि उनको आपके असली हवाई अड्डे का पता चल गया है। हाँ हाँ,
आज उनके जहाज ईस्ट ईस्ट नॉर्थ 45 डिग्री पर गए हैं। उनका कमांडर वही कपूर है जिसको आपने उस दिन जिंदा छोड़ दिया। वो बहुत खतरनाक है जी, उसको जिंदा नहीं छोड़ना जी। सर बगैर परमिशन अंदर आ गया। राजन भैया की जान को खतरा और फॉरन वापस बुला रही थी। दुश्मन उनके मिशन की खबर हो चुकी है। मैंने दुश्मन के जासूस को खुद ट्रांसमीटर पर खबर देते हुए सुना। ओह नो, इट इज ट्रू सर, एंड आई हैव टू किल दैट बास्टर्ड। ओह कम ऑन कम ऑन। थैंक यू। यस सर। आगे बढ़ते हैं। हेलो स्पाइडर, हेलो स्पाइडर, हेलो स्पाइडर, स्पीक टू राइटर। इज इट नाइन सर? स्पीकर सुनो। हेलो, दुश्मन को तुम्हारे मिशन का पता लग गया है। What? तुम्हारी जान खतरे में है, तुम वापस आ जाओ। आई एम सॉरी सर, अब वापस मुड़ना मुश्किल है। मैं दरिया की घाटी में दाखिल हो चुका हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, मैं आखिरी दम तक आपको खबर देता रहूंगा। आप रिकॉर्ड करते रहिए। ओवर। मेजर, टेप रिकॉर्ड ऑन करो। गन को रेडी होने को बोलो। ऑल गन्स पोजीशन। नंबर वन फायर। नंबर वन फायर। फायर। नंबर सिक्स फायर। नंबर एट फायर। नंबर एट फायर। सर, इट्स 20 डिग्रीज साउथ ईस्ट, देन 50 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट। सर, इट्स अबाउट 400 यार्ड्स लॉन्ग एंड 50 यार्ड्स वाइड। इट्स रीडायरेक्टेड फायर। सर, आई एम हिट वेरी बैडली। गुड बाय। चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती है। ये बड़ा जुल्म है बाबूजी, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म। Thank you.
सब चुप क्यों हो गए? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? कोई मर गया? क्या बात है? राजन कहाँ है? मैं पूछता हूं राजन कहां है? मैं पूछता हूं राजन कहां है? बाबू जी, राजन भैया का प्लेन वापस नहीं आया बाबू जी। तू मेरे को क्यों ले आई? मेरे राजा, मैं तुझे तेरी ससुराल में ले आई। ससुराल? मेरी शादी तो हुई नहीं। देखते नहीं, अभी मंदिर से हम दोनों शादी करके आ रहे हैं। शादी हो, हाँ? हो, हो गई? हो गई, पक्की हो गई राजा, पक्की हो गई। बेहोशी में दरवाजा खोल, मेरे को अकेले में डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है राजा? मैं तेरे साथ हूँ, अब मत डर। देख सुन, मैं तेरे को वचन देती हूँ, समझा? जब कभी भी तेरे पे बिपदा पड़ी, मैं तेरी रक्षा करूँगी। रक्षा करेगी ना? तो तुमसे मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे निर्दयी, देखो तुम ऐसा करो, चारपाई पे लेटो, मैं तुम्हारे पांव दबा देती हूँ। किधर लेटो? चारपाई पे। मैं आज तक किसी के बिस्तर पे नहीं लेटा। चलना 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 चलना। देख, बेहोश में शादी हो गई, अब मैं होश में हूँ, कभी बिस्तर पे नहीं लेटूंगा। तू होश में आ गया? चल, तुझे फिर कभी नहीं लगती। चलना। अरे चल बैग, अच्छा बैग देगी। ले 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 ले, पी आई आई मत कर, पी ले मेरे राजा, अब बजेगा तेरा बाजा। जा बैग साथ चल। अबे कौन है? सुहाग रात को तो चैन लेने दो मुझे। ए उठना। मौसी, मैं हूँ हरालू। अबे हरालू के बच्चे सुहाग रात के ही बचता है। खैर खोलती हूँ, कबाब में हटे। तुझे भी आज मेरे सुहाग रात के दिन ही टपकना था, हैं? मौसी, राम राम, मैं आ गया हूँ। आ जा, चल जल्दी चल। बच्चे बच्चे क्यों आप खड़े रहते? मौसी, ये कौन है? ये तेरा नया मासा है, आज ही से शादी की है। अरे शादी के दिन ही मर गया? नहीं रे, ये तो मेरा रूप देख के थोड़ा बेहोश हो गया, तो चार दिन तक चलेगा, उसके बाद पता नहीं मरे क्या। अरे ये कौन है रे? मौसी अपनी सरदार की बेटी है। राजकुमारी नमस्ते, हमारे घर में क्यों आई है? हाउस का एक अफसर मेजर राम कपूर इनको धोखा देकर यहाँ आ गया है, ये उन्हीं की तलाश में आई है। सुनो, तुम मेरे को उनसे मिलवा सकती हो? मिलवाने का वचन नहीं देती, क्योंकि अफसर लोग हैं। हाँ, दूर से दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ मौसी, दूर से दिखा देना, फिर ये खुद ही पीछा कर लेगी। हाँ, तुझे कुछ समझा? तुम इधर बैठो, मैं कुछ नाश्ता पानी लाऊं। हाँ, चल चल। हाँ, क्या ये उनका पीछा करेगी ना? हाँ। तो किसी को शक नहीं होगा और हमको पूरा पता चलता रहेगा, वो कहाँ जाता है, क्या करती है।
सर यह अभी जिंदा है? जिंदा रहेगा, मुझे उम्मीद नहीं। मेरी कोई दवाई असर नहीं कर रही है। इस अचानक सदमे से इनके दिमाग की सारी मशीनरी जैसे जैसे रुक गई है। इसका एक ही इलाज है, वो दर्द जो इनके दिल में चमके रह गया वो किसी तरह पिघल कर आंसू बन जाए। अगर इनके दिल की भड़ास नहीं नहीं तो या तो ये पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। इनका रोना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने अच्छी तरह जानता हूं, पिछली जंग में मैं इनके साथ था, बड़े से बड़ा जख्म खाकर भी ये नहीं रोए। ऐसे भी केस देखे गए कि लोग बड़े से बड़ा दुख घुट के बर्दाश्त कर लेते हैं मगर खुशी की खबर सुनते ही फूट पड़ते हैं। ऐसे लास्ट चांस, मैं एक शॉक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूं। क्या? आप इनके छोटे लड़के की शादी कर दीजिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप शादी की सोच रहे हैं? शादी न सही करना साहब, शादी का नाटक तो हो सकता है, सगाई का नाटक तो हो सकता है। मैं ठीक कह रहा हूं कर्नल साहब, अगर इस वक्त अचानक किसी लड़की को राम की दुल्हन बनाकर इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो मौत की तरफ बहती हुई ये कश्ती शायद जिंदगी के साहिल की लौट आए। नहीं 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 पिताजी, ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? इसलिए सोच सकता हूं कि मैं एक बाप हूं और कोई भी बाप ये नहीं देख सकता कि उसकी बेटी शादी से पहले ही अपने आप को विधवा समझने लगे। उषा, ये जिंदगी इसे इस तरह प्लीज प्लीज पिताजी प्लीज। पिताजी आप इतना तो सोचिए, अगर राजन की आत्मा यहाँ होगी तो क्या देख रही होगी? और वाकई राजन की आत्मा इस वक्त यहाँ होगी तो उषा वो तेरी तरफ इस उम्मीद से देख रही होगी कि इस वक्त उनके बाबूजी की जिंदगी तेरे हाथ में है। तू अपना गम दुख भुलाकर उनकी जिंदगी बचाती है, उन्हें मर जाने देती है। बोल, क्या जवाब दोगी इसे? बोल ना। डॉक्टर कहते हैं अगर राजन के पिताजी की यही हालत रही तो मर जाएंगे या गम के मारे पागल हो जाएंगे, और अगर इस वक्त राम की बहू को उनके सामने पेश किया गया तो शायद बच सकते हैं। कम से कम इस वक्त उनकी खातिर तो हाँ कर लो, बाद में जो तुम्हारे जी में आए करना, उनके बाबूजी को बचा लो। राजन की आत्मा तुम्हें दुआ देगी बेटी, तुम्हें दुआ देगी, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। मेजर राम कपूर की तो हमारी मेहनत से सगाई हो गई। सगाई? क्या सपने दिखाए थे और आज क्या सच्चाई दिखा रही हो? बोलो बोलो, अब मैं क्या करूं? इन सपनों को कहां छुपा दूं और इस सच्चाई को कैसे गले लगा लूं? जवाब नहीं दे सकते तो लो, न संभालो ये सपने और सच्चाइयां, न मुझे सपने चाहिए न सच्चाई। मुझे 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 मौत दे दो, मौत दे दो, मौत दे दो। बोलो बोलो, तुम सब कुछ जानते हो, बताओ कितनी ताकत है तुम लोगों की, कितने हवाई जहाज हैं, कितनी फौज है आसाम के बॉर्डर पर? बोलो बोलो। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक तुम किसी जंगी कैदी को ऐसे सवालों के जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकते और ना ही उस पर हाथ उठा सकते हो। इंटरनेशनल कानून बताते हो हमें? कानून क्या है? उसका फैसला हमारे हाथ में है। एक दिन तुम्हें इंटरनेशनल ज्यूरी के सामने जवाब देना होगा। डोंट टेल मी दैट। अभी इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसको ताजा हवा की जरूरत है। लटका दो इसे खिड़की से बाहर।
बोलोगे कि नहीं? ब्रिटिश आर्मी की मदद के लिए अमेरिका की फौज आ रही है या नहीं? कलकत्ता की हिफाजत के लिए कितनी फौज है तुम्हारे पास? बताओ, जवाब दो, कितनी हवाई जहाज है तुम्हारे पास? नहीं बोलते हैं? ये आखिरी मौका है, बोलो। हिंदुस्तानी सिपाही मौत के डर से अपनी फौज के साथ कभी दगा नहीं करता। इतनी आसानी से इसे नहीं मारा जाएगा। खोल इसे। वार काउंसिल ने डिसाइड किया है कि कमांडोज का एक ग्रुप भेजा जाए जो दुश्मन के इलाके में चोरी छुपे घुसकर इस एयरफील्ड को सबोटेज करके तबाह करे। एंड मेजर, यू आर सिलेक्टेड टू लीड दिस ग्रुप। दिस इज एन ऑनर सर। उषा, आप आज रात में जा रहा हूं। उषा, कहां जा रहे हैं? दिस इज कॉन्फिडेंशियल, बता नहीं सकता, बस दुश्मन के इलाके में जा रहा हूं। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ। कौन है? मेरी होने वाली बीवी। ये तस्वीर वहीं से मंगवाई है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि हमारा जासूस तुम्हारी हर छावनी में मौजूद है। अगर हम चाहें तो इसकी जान खतरे में डाल सकते हैं, इसको अगवा कर सकते हैं। अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो तो हमारे सवालों का सही जवाब दो। यस, एन इंपॉर्टेंट मैसेज सर। कम इन। बोलो सर, किससे क्या डरते हो? बल्कि इसको मालूम हो जाएगा कि हमारा जाल इसकी छावनी में कहां तक फैला हुआ है। स्पीड सर, नंबर 7 का अर्जेंट मैसेज आया है कि आज रात को मेजर राम एक छापामारों की टुकड़ी लेकर जापानी इलाके में दाखिल होने वाला है। ये भी खबर है कि मेजर राम विंग कमांडर कपूर का छोटा भाई है। खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए आ रहा है। बोलो, वो किधर आ रहे हैं? हैं? क्या उनके पास यहां का ठीक ठीक पता है? बोलो। जहाज गिरने से पहले तुमने उनको यहां का पता दिया था कि नहीं? देखो, हम तुम दोनों भाइयों को इनाम देगा, बहुत मालामाल कर देगा। लेफ्टिनेंट। यस सर। 5 नंबर को खबर दो कि राम और पार्टी को हमारे इलाके में दाखिल होने दो। यस सर। जो सी चौकी नंबर 34 से लेकर 22 तक सबको अलर्ट कर दो। यस सर। देखो, इस पार्टी को गिरफ्तार नहीं करना, सिर्फ छुप कर वाज रहो, उन्हें खबर ना हो। चंद दिन दरिया क्रॉस करने के लिए उनके पास सिर्फ ये एक ही रास्ता है। हम देखना चाहते हैं कि चंद दिन दरिया पार करके वो हमारी तरफ आते हैं या नकली हवाई अड्डे की तरफ जाते हैं। अभी वो नदी क्रॉस कर रहे हैं। करना था, करना था उन्हें। ठीक है। यस यस, लगे रहो। कुछ बताओ तो सही, वहाँ क्या हो रहा है? मेरा राम मुझे कब वापस देंगे? कैद करेंगे तो देंगे ना, अभी कैद नहीं हुआ है। हमने तो अपना कैदी कैद कर भी लिया है। हम कैद में नहीं रहेंगे। तेरा बाप हमें सब कुछ मालूम हो गया। तुम सब हिंदुस्तान के खिलाफ जजुदी कर दो। हम अभी ज्यादा है, हम अभी कर्नल साहब के पास जाते हैं, अभी ज्यादा कर्नल साहब को रहेगा। कर्नल
बंदे एक डोरी से जाइए कहाँ जाओगे बच के? अब नहीं छोड़ूंगी, देख मैं तेरी इतनी सेवा करती हूँ, पी पी गिर नहीं गिर नहीं, इतनी सेवा तो तेरी माँ ने भी नहीं की होगी मेरे प्रीतम। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अभी नहीं पकड़ा गया, लाओ तुम उसके पियो। कांचा रे कांचा केला मुंगी भांजी रे तू। अरे क्यों दर्दी ला रहा है, क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है, जल्दी कर। ये बेशरम तुझे कैसे होगा, तुझे कैसे समझाऊं? अरे इधर इधर ये अरे जल्दी अरे ये मैं जरा इसको जंगल घुमा के ला रही हूँ। पूछो ना उनसे क्या हुआ। पूछता है पूछता है। हेलो हेलो नंबर 34 क्या हुआ? वेरी गुड वेरी गुड, वो वहाँ पहुँच गया। अब तू हमारा इनाम नहीं भूलना, देखा हमने तुमको कितना बड़ा दुश्मन दिया, और उसका सर काट के मेरे पास भेजो, हम उसका सर को दरवाजा में लटका देगा। किसका सर? मेजर राम कपूर का। तुमने मुझे धोखा दिया। हमने कोई धोखा नहीं दिया, तुमने उसको धोखा दिया। मैंने नहीं, तुमने मुझे कहा था जापानियों से पकड़ कर मुझे दे देंगे। हाँ हाँ दे देंगे, मगर उसका सर। मैं अभी जाती हूँ उसे बचाने। कहाँ जाती है? तुम्हें राजकुमारी का इश्क बुलाने आया है, लकी गाय। हंसो मत साहब, भवानी कसम साहब, दुश्मन को तुम लोग का सब खबर है, चारों तरफ दुश्मन है, आगे बढ़ेगा ना दुश्मन जान से मार डालेगा। हाँ सारा दुश्मन का जासूस मालूम होता है। ओ साहब ओ साहब 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 हम झूठ नहीं बोलता, सच्ची बोलता है साहब साहब साहब। उधर देखो दुश्मन खड़ा, उधर देखो, उधर भी देखो साहब, पीछे भी देखो। साथियों दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उनके बारे में पता चल चुका है। शंकर तुम इसी तरह कमेंट्री देते रहना और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। Let's proceed. साहब तुमको बोला ना आगे मत जाओ, खतरा है। हनुमान थैंक यू वेरी मच, राजकुमारी से भी हमारा शुक्रिया अदा कर देना। Thank you.
यहाँ से आगे जाने का यही रास्ता है, इसलिए हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के सब लोग घास के अंदर चुप जाओ। जगह है जहाँ हम दुश्मन को धोखा देकर किसी दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। हम बुलाना साहब, और कोई रास्ता नहीं है। आगे दुश्मन का पहरा है, पीछे से तुम लोगों को दुश्मन ने घेर रखा है। अगर जिंदा रहना है यहाँ से चुप के वापस चले जाओ। सिपाही कभी वापस नहीं जाता, आगे बढ़ेगा तो मर जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, इस रास्ते से जाना नामुमकिन है, इसीलिए आज रात को हमें ये दरिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। साहब ये दरिया नहीं है, ये दलदल का खुली नाला है। यहाँ अजगर सांप मगरमच्छ होते हैं। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता साहब। हम मौत से नहीं डरते शंकर। यस हेडक्वार्टर से मिलो। साहब दुश्मन सब बात सुन रहा है। उल्लू के पट्टे में दुश्मन को सुनाने के लिए तो बातें कर रहा हूँ। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, गुड एंगल कॉलिंग, गुड एंगल कॉलिंग। यस सर, हम दुश्मन की चौकी नंबर 28 के पास पहुँच चुके हैं, और आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल चौकी के पास होकर जाता है, इसलिए हमें रात तक यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा। रात को 11 बजे मैं आपको फिर कांटेक्ट करूंगा। ओवर। बोलता है रात तक इधर ही छुप के रहेगा और अंधेरे में ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? योर ब्लैंकेट। कमांडोस, सर्च लाइट से बचते हुए एक एक करके यहां से निकलना शुरू करो। और देखो कमलों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। आइया नहीं हम मान, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। यहां से वापस चले जाओ। हम भी जाएगा साहब। तब साला ये मिलिट्री का काम है का मजाक तुम। तुम यहां से नहीं हिलोगे, समझे? अभी बैठे हैं, कुछ बोलता है क्या? कुछ नहीं सर। हेडक्वार्टर को खबर देते रहो। ओके सर। फुजियामा, फुजियामा, अभी वो लोग सो रहे हैं। अभी सो रहा है। क्या करेगा साहब? राजकुमारी ने ऑर्डर दिया था, या तो साहब को जिंदा वापस लेके आना, नहीं तो उसी के साथ मर जाना। हम भी तुम्हारे साथ नहीं आते। थॉमस, तू भी मरेगा, हम सबको भी मरेगा। सुनो, अगर इस दलदल में मैं मर गया, मेरे बाद आपका इंचार्ज कैप्टन देव होगा। रोहन सो रहा है। हम भी सोएगा, मगर देखो तुम जागते रहना है। वो लोग अभी इतने रात तक क्यों सोए? कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? जाके देखो। ए,
सर बहुत भूख लगी है, आपका हनुमान अभी तक खाना लेकर नहीं आया। बेचारा किसी गांव से छुप छुपा कर मांग कर खाना लाएगा, क्या कोई होटल वोटल तो है नहीं। लो आ गया हनुमान, खाना आ गया। आ गया सर। ये वक्त आने का, मर गया भूख से वो। ये लो तुम्हारा खाना। ए, इस गड्ढी में क्या है? बड़ा काम करके आया हूँ साहब, इनाम वाला। सीधी सीधी बात करो, क्या बात है? अरे साहब, दो रोज से जापानी सिपाही गांव के लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ तुम्हें जाना है साहब, जहाँ हवाई अड्डा बन रहा है। कहते हैं उस पहाड़ी के पीछे है। और साहब, हम तुम सबके लिए एक गांव का कपड़ा लाया है, तुम सब ये कपड़ा पहन के बन जाओ गांव वाला, फिर जापानी तुम्हें गिरफ्तार करके अपने आप वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें जाना है। क्या बात है, जवाब नहीं तुम्हारा, तुमने सेकंड बार जीत ली मेरे छुटके। ए, माता गाय को। सर पहले खाना खा ले फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जीते, क्या है? ठीक है खाना खा लो। चल चल भाई, चल कम आओ। जोर से लग गया। छोड़ो साहब, तुमको क्या जाने, राजकुमारी ने तुम जैसे जंगली के साथ काय को प्यार किया। अरे इतना गुस्सा क्यों करता है यार? आई एम सॉरी। चल चल खाना खा। शंकर देव। ये हनुमान क्या है? तुझे देर हो गई ना यार, तो मैं समझा कोई लड़की मिली थी। लड़की मिली थी? मिली थी? हाय, तूने तो हाथ लगाया। हाथ लगाया सब जगह हाथ लगाया। अच्छा, कौन सा हाथ लगाया? Come on, boys. Yes. उठ के सो जा। सोता है साहब। ए हनुमान, क्या है? मेरे पास आके सो जाना। क्यों? वो लड़की जो तुझे गांव में मिली थी ना, उसकी बात करेंगे यार। नहीं नहीं, हम किसी के पास नहीं सोएगा। मेरे को राजकुमारी का ऑर्डर है कि सिर्फ साहब के कदमों में ही सोना। हाँ, ऐसे ऑर्डर मिला है मुझे ही अपनी बदबू से परेशान कर। तुमको हमसे बदबू आता? खुशबू आती है। अरे पता नहीं कितने साल से नहाया नहीं, कितने जोर कब्ज मारते। से कहीं जाते नहीं। सर क्या बात है? हनुमान गायब है। सर ये हनुमान कहीं जापानी को आदमी? देखो तुम दोनों होशियार है ना, मैं देखता रहता हूँ। सबको परेशान किया है, तो सब लोग समझ रहे हैं कि तू भाग गया और तू यहाँ स्नान कर रहा है। साहब, तुम बोला ना हमसे बदबू आता है,
इसलिए हम नहाता है। अरे बदबू तो ठीक है, गधे बताकर तो आता। साहब वो देखो पीछे कौन आया। अरे हनुमान यहाँ तो कोई भी नहीं है। बंदूक रख दो साहब, मैं झूठ बोला था, वहाँ कोई भी नहीं। क्यों झूठ क्यों बोला था? मैं नंगा था साहब, कपड़ा पहनना था। अरे नंगा था तो क्या हो गया? आपको शर्म आता है साहब? शर्म आती हो तुम? हाँ साहब। आज मैं तुम्हारी शर्म उतारता हूँ, तुम्हारे सामने मैं नंगा नहाऊंगा। साहब साहब तुम नाओ, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। पकड़ो बंदूक। हम तुम्हारी शर्म उतारते हैं। राजकुमारी ने तुम्हें हुक्म दिया था मेरा हर ऑर्डर मानना है। बोला था कहा रहने? अब बोला था लेकिन ये थोड़ा ही बोला था कि तुमको नंगा ना दे ए, क्या औरतों की तरह रोता क्यों? मर्द है कि छोकरी? क्या साहब अबे छोकरी छोकरी बोलता रहता है, मेरे मुंह नहीं देखा? मुंह इधर को मेरा देखा, तुम्हारा मुंह ही तो देखा अभी अभी, कितना अच्छा मुंह था। वाह ये क्या पागलपन सोचा तुमने? इतने खतरे में मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? तुम बेवफा हो गए तो मैं भी हो जाती, तुम्हारी जान खतरे में थी, खबर देने चली आई। ठीक है अब तुम मेरे साथ आगे नहीं जा सकती, यहीं से वापस चली जाओ। नहीं साहब, तुमको इस तरह खतरे में छोड़कर मेरे लिए जाना मुश्किल है। जरा सुनो। देखो साहब, हम एक बार रिश्ता करते हैं तो जिंदगी मौत तक निभाते हैं। कुछ भी हो तुम मेरे साथ आगे नहीं जा सकते। क्या बात है शंकर? शंकर यस सर। सर वो दुश्मन की मूछ हाथ में आ गई, वो लड़की की फौज आ गई साहब। व्हाट साहब? वो जापानी, वो कबीला फौज में लड़की आ गई साहब। वो कबीला वाले जापानी को मार के ले जा रहे हैं। क्या बक रहे हो तुम? जापानी सिपाही कबीले वाले को पकड़ ले जा रहे हैं साहब। जापानी फौज? हां सर। हम वो कपड़े पहनकर इन लोगों में शामिल हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड, इन सबको इसी वक्त काम पे लगा दो। No!
देखा उधर देखिए वहां पे सीधा देखो चलो चला चला खोलो खोलो एंगो तुम्हारे सबको गोली मारेगा अभी हम कमेंटर को बोलेगा इसको छोड़ दो ये सब अच्छा नहीं तुम कौन बोलो तुम दुश्मन का आदमी तुम हमारे कबीले में नहीं रह सकते जाओ मैं कहता हूँ जाओ एंगो तुम इनको कुछ नहीं कहेगा ये हमारी आज्ञा है तुम कौन होती हो मुझे आज्ञा देने वाली राजकुमारी क्षमा कीजिए राजकुमारी जी क्षमा कीजिए अंगो ये हमारे मेहमान हैं ये यहाँ जब तक रहेंगे हम इनकी रक्षा करेंगे जी अंगो तुम कर लेती बात इनके मुंह बंद करके इनके कपड़े उतार लो आइए राजकुमारी जी थैंक यू राजकुमार यहाँ से आप बाहर जाएगा यहाँ फौजी पहरा है इन सीढ़ियों से होते हुए आप यहाँ इन सीढ़ियों से होते हुए आप इस बड़े कमरे में जाएंगे यहाँ बहुत से कैदी बंद है लेकिन वो साहब आपके यहाँ नहीं है वो यहाँ से सीढ़ियों से इस कमरे में है लेकिन अकेले हैं साहब यहाँ बहुत फौजी पहरा है बहुत खतरा है हम खतरे से नहीं डरते बारे में सुना तुम सब ठीक है हम सब ठीक है इधर कोई आया जवाब क्यों नहीं देता हम खड़ा करता तुम पानी लाओ मैं तो इतना नौकर हूं हमारे पास वक्त बहुत कम है मैं जाकर सारा नक्शा बना रखा है अरे वो मेरे को गाली दिया मैं इसको बंद कर मार दूंगा तुमने मुझे गाली दिया
उठा रहे वहां बाहर के नीचे फेंक देते हैं। भैया अपने पास वक्त बहुत कम है। यह है हमारा प्लान, किस वक्त क्या करना है सब तफसील में लिखा हुआ है और इसे अपने पास रखो। राम मैंने इस इलाके का तमाम नक्शा बना रखा है, दुश्मन ने कहां कहां तोपें लगा रखी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या? हाँ दीदी, राजन जिंदा है, अभी भी वॉलेस पर खबर आई। यस सर, वी हैव कंप्लीटेड द रिकग्निशन, लेकिन उनकी गन पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, जब तक उनकी गन्स तबाह नहीं कर दी जाती इस वैली में किसी हवाई जहाज की एंट्री नामुमकिन है। ओवर। सर, हमें डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड्स, टाइम बॉम्ब्स, मशीन गन्स और ब्रेन गन्स पैराशूट के जरिए भेज दीजिए। सर, चार कमांडोज पैराशूट के जरिए और भेज दीजिए, ताकि एक ही रात में सब जगहों पर टाइम बॉम्ब फिक्स किए जा सके। ओके, कीप ऑन बॉयज। ओह दैट्स वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी विद द बॉयज। उनको जो मांगता है पैराशूट के जरिए पहुंचाओ। व्हाट डॉक्टर, तुम जाना मांगता है कमांडोज के साथ? यस सर, आपने कमांडोज के साथ जाने के लिए डॉक्टर मांगा था, सो आई वॉलंटियर माय सेल्फ। बट तुम्हारा हॉस्पिटल में कोई मेल डॉक्टर ना है? सर, मेरे सिवा यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसने पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग ली हो। ओह रियली? यस सर, ये ट्रेनिंग मैंने लंदन में ली थी। हम लोग जंगल में गया था लकड़ियां काटने के लिए, घास लाने। घास लाने में दीदे लगते हैं। ए लड़की, क्या बतावी दे रहे? ए पिचक, ओ लड़की पिचक, ए क्या हुआ? वो देखो वो छेड़ता है। छेड़ता है तुम्हें? भाजो हटो। ए कौन छेड़? हमारी बीवी को छेड़ता है? गलत बात नहीं। अरे गलत क्या है, हमने अपनी आंखों से देखा है। मालूम है पहले कहां है? गोली मारना। ए हम लोग ये हमारी बीवी को छेड़ता है। मैं आपको अपना गोली मार दूंगा। ओ हां हां, इन्होंने मेरे सामने साफ से ज्यादा लिया था, जाने दो। तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? चलो चलते है, चलते है। चलो मत भरो, चलो। अब सब ठीक हो गया, कोई खतरा नहीं। थैंक यू जी। लाइए बोले जी। लाइए सर। और ये जितने कबायली हैं सब इसी की वजह से हमारे साथ ही। अच्छा, ब्रिटिश सरकार को तो इसे विक्टोरिया क्रॉस देना चाहिए। इसे विक्टोरिया क्रॉस नहीं, किसी और चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो मोहब्बत का मतलब ही नहीं आता। उषा, जितना मैं इसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाता था उतनी ही इसकी इज्जत करता हूँ। कभी कभी तो बेचारी पर तरस आता है, लेकिन मैं क्या करूं, गलत आदमी से प्यार कर बैठी है। ये सारा सामान ठीक तरह संभाल लो, इसके 15 मिनट बाद मीटिंग होगी। मैं हेडक्वार्टर सिग्नल करता हूँ कि पार्टी से पहुंच गई है। ओके सर। शंकर। यस सर। कम अलोंग विद मी। यस। राजकुमारी जी, हम सब के होते हुए ये काम आपका नहीं। नहीं अंकल,
ठीक है। की राजकुमारी जी, संगीता, ये सब काम तुम संभालो। आप उठिए। राजकुमारी, कहाँ जा रही हो? मुझे पहचानती नहीं? पहचानती हूँ। सुनो, आज मैं तुम्हें अपना गुरु बनाने आई हूँ। तुम्हारे चरणों में बैठकर कुछ सीखना चाहती हूँ। एक गवार जंगली लड़की, आप शहर के पढ़े लिखे लोग, मुझसे क्या सीखेंगे? मोहब्बत। हाँ, प्यार करना सीखना चाहती हूँ तुमसे। जिसने हर घड़ी तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, जो तुम्हें ठुकरा कर दूसरी लड़की से प्यार का नाता जोड़ना चाहता है, ये सब कुछ जानते हुए भी उसके लिए अपनी जान हथेली पे लिए जगह जगह उसकी रक्षा करती फिरती हो, तुमसे बड़ा प्यार करने वाला कौन होगा? मैं तुम्हें मन से प्रणाम करती हूँ। मैं नहीं जानती कि शहर की लड़कियों को इस तरह जहरीली बातों के तीर चलाना भी आता है। मेरा सब कुछ छीन कर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। नहीं राजकुमारी, मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना। राम तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, तुम अपनी प्यार की ताकत नहीं जानती, मगर मैंने प्यार की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने देखा है कि मेरे प्यार की सच्चाई को देखकर आई हुई मौत भी टल गई। देखो और देखो, मेरा राजन तुम्हें तुम्हें जिंदा मिला। राजन? हाँ, वही। और वो सगाई? वो सब झूठ था। उस वक्त डॉक्टरों ने कहा राजन के पिताजी अपने बेटे का गम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। उनकी जान बचाने के लिए पिताजी ने जोर लगाया कि मैं राम से शादी कर लूं। जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझसे कहा, इस वक्त झूठी हाँ कर दे बेटी, उनकी जान बच जाएगी। मैं अपने राजन के लिए, राजन के पिता की जान बचाने के लिए जुबान बंद रखी और मैं बहू बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो मुझे राम की बहू समझते रहे। मैं राजन के नाते उनकी बहू बनकर उनके चरणों में बैठ गई। मुझे विश्वास था अपने प्यार पर। सिर्फ एक बार घबरा कर जब मैंने राजन की तस्वीर भगवान के चरणों में रख दी तो एक आवाज आई, भगवान के द्वार पर कैसी निराशा। मैं तस्वीर उठाकर वापस चली आई और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे राजन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन साथियों, ये काले निशान जो तुम देख रहे हो ये सब दुश्मन की गन पोस्ट है। परसों सुबह 6:25 पर दुश्मन की तमाम तोपे एक साथ ब्लास्ट हो जानी चाहिए, जिसके लिए हमें जगह जगह टाइम बम रखने पड़ेंगे। नंबर 5। यस सर। ये जगह बहुत अहम है, इस तोप को उड़ाने की ड्यूटी तुम्हारी है। ओके सर। नंबर 10। यस सर। तुम यहां जाओगे।
Be very careful, boys. का कोई प्लेन वहां लैंड नहीं कर सकता। एक डकोटा वहां भेजो जो उन लोगों को बचा के वहां से लाए। दुश्मन को खबर होने से पहले हमने अपना हवाई अड्डा यहां तैयार कर लिया है। एक पासेस से खबर आई है कि रंगून से कल हमारे हवाई जहाज यहां दोपहर तक पहुंच जाएगा और परसों से कलकत्ता पर बमबारी शुरू कर दी जाएगी। नंबर 34, 35 कल रात से दोनों गायब है। फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल प्लान टू एस्केप। हम लोग इस वक्त यहां हैं। विंग कमांडर राजन कपूर इस ऊपर की मंजिल में कैद है और हमारे बाकी साथी इस हॉल में कैद। अब तीनों पार्टी को मिलकर एक साथ एयरपोर्ट पहुंच गए। आप लोगों ने हमारे दोस्त को देखा लेकिन उनके बाहर जाने का यही एक रास्ता है जो बहुत तंग है। जरूरत पड़ने पर यहाँ बैठा हुआ एक सिपाही भी उनकी सारी फौज को रोक के रख सकता है। गेट
राजकुमारी जी क्षमा करो, हम मजबूर थे। तुम लोगों को सजा मानी चाहिए। तुम लोगों के घर में तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे मेहमान की जान खतरे में पड़ गई और तुम एक उंगली तक ना उठा सके। जब हम अपने कर्नल साहब को बताएगा तो खुश हो जाएगा क्योंकि सारे ब्रिटिश कमांडर्स पकड़ गए हैं। हम लोग को प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। There is a very good news for you. Speak! सब ब्रिटिश कमांडर्स पकड़े गए और ये सब गुफा में चुने हुए थे सर। मरने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे, कोई देख तुमको रुकेंगे। तुम जाओ, अब इन बातों का वक्त नहीं है। जाओ अपना फर्ज पूरा कर। जापानी को नहीं रोक सके और वो लोग आ रहे हैं।
यही एक जगह यहाँ एक भी सिपाही पूरी फौज को रोक सकता है। तुम्हारा जहाज लैंड करने वाला है तो मैं सबको ट्रक में लेकर जाओ, मैं जापानी को यहाँ रोकता हूँ। ठीक है, तुम इनको ट्रक में लेकर जाओ, मैं जापानी को यहाँ रोकता हूँ। विंग कमांडर कपूर, ये कमांड मेरी है, जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, नो टाइम फॉर सेंटीमेंट्स, प्लीज हरी अप। ओके सर, विल वेट फॉर यू। हवाई जहाज ठीक 6:30 बजे टेक ऑफ होगा। नंबर 7 बैरियर ड्रॉप। भाभी भाई गुड लक। भैया का ख्याल रखना। नंबर 10 You're right. मैं किसी से ऊपर जाकर उसको एंगेज करता हूँ, इतने में आप लोग बिगड़ जाइए। जो हमने बम लगा रखे हैं उनको ब्लास्ट होने में 5 मिनट बाकी है और हम 4 मिनट तक राम का इंतजार कर सकते हैं। Thank you.
ऋषि, ऋषि ये क्या कर लिया तुमने? क्यों मेरे लिए अपनी जान दे दी? प्यार करने वाले ऐसा ही करते हैं। लेकिन किसने तुमसे प्यार किया था? तू नहीं जानती थी मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलता रहा हूँ? न जानती थी। तुलसी, मुझे थोड़ा वक्त और दिया होता मैं तुम्हें इतना प्यार करता, इतना प्यार करता। मैं जानती हूँ राम, मरने वाले को सब झूठी तसल्ली देते हैं। नहीं नहीं तुलसी, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है तुलसी। तुलसी एक बार कह दो मेरे प्यार पर तुम्हें विश्वास है? मुझे तुम्हारे सब बात पे विश्वास है, सब बात पे विश्वास है, बात पे विश्वास है। तुलसी,